नियॉन बैटरी, देश का एक जाना माना ब्रांड, अपने सभी देशवासियों से अपील करता है, स्टे होम स्टे सेफ। कि हमको घर पहुंचा दिया जाए, क्योंकि हमारे पैर से खूब थक गए हैं, हमारे पास पैसा भी नहीं, हम किस कहाँ क्या खाएं और कहाँ जाएं। हम सोचते कि हमारे हमको बस मिल जाए, हमको हमारे देश पहुंचा दिया जाए हमारे घर पे। लॉकडाउन में सबसे अधिक मजबूरी और लाचारी बस इन बेबस गरीबों और मजदूरों की है जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग के लोग हैं। लॉकडाउन को 40 दिन होने को आ रहे हैं। हालात अब ये हो गए हैं कि अब इन मजदूरों के पास खाने को खाना नहीं है और जेब में पैसा भी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से जरूर इन मजदूरों में कुछ आस जगी है और इन्हें लग रहा है कि अब वो अपने घर पहुंच जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ पानीपत से मेरठ रोडवेज बस स्टैंड पहुंचे 14 मजदूर। लेकिन ये मजदूर कह रहे हैं कि इन्हें अब रोडवेज और डीएम कार्यालय के बीच फुटबॉल बना दिया गया है। हालात ये है कि दोनों जगहों से इन्हें आश्वासन ही मिल रहा है। अब भारी परेशानी ये है, ना तो इन्हें प्रशासन खाना दे रहा है और ना ही इन्हें घर भेजने की कोई व्यवस्था अभी तक हो पाई है। जब इन मजदूरों की परेशानी पुलिस के सामने आई तो उन्हें मेरठ पुलिस ने खाना खिलाया। भूखे प्यासे मजदूर मेरठ के बेगम पुल पर खुले आसमान के नीचे रात बिता रहे हैं, हर पल इस आस में कि कोई उनकी बात भी सुनेगा और उन्हें उनके जिले कौशाम भी पहुंचाया जाएगा। मजदूरों का यही कहना है कि वो दो दिनों से यहां फंसे हुए हैं। सर, मैं आया हूं पानीपत से और शर्ट लेक्स मशीन चलाता हूं, कपड़ा बुनाई का है वो, और वहां से हम लोगों को अब खाने पीने का कुछ इंतजाम नहीं हो पा रहा है। किसी लोगों को हो पा रहा है, किसी लोगों को नहीं हो पा रहा है। इस समय हम लोग पास जितना पैसा था उतना तो हम लोग खा लिए हैं। अब हमारे पास थोड़ी थाड़ी बचा है तो हम सोचे अब घर जा रहे हैं। अब यहाँ क्यों, कोरोना से भी लोग भूखे मर रहे हैं, वो ऐसे मरते भूखे, हम भी आज भी मर रहे हैं। सोचे जा रहे, प्रशासन ने बस चला दिया है। अब प्रशासन बस चला दिया है तो हम अब बीच में पड़े हैं, ना ही तो हमारा कोई सुनने वाला है। यहाँ पे बस स्टैंड पे आए हैं तो बस स्टैंड से कह रहे हैं भाई यहाँ कोई सुविधाएँ नहीं है। तो प्रशासन हमारी बोल रही, उत्तर प्रदेश कह रहे भाई जो बीच में लोग पड़े हैं और उनके पास जाइए। अब जो सारे लोगों को मतलब घर ले जा रही है, अपने अपने प्रदेशों में भेज रहा है सरकार। तो अब हमारे समझ में, हम तो पूरी तरह से थक गए हैं। अब जो बस स्टैंड अधिकारियों ने भगाया, कह रहे भाई यहाँ कोई सुविधा नहीं है। और यहाँ से 4 बस निकल चुकी है, हमने अभी देखा है। सुबह का 2 दिन हो गए हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं। हम DM साहब के पास भी गए, वहाँ हमको खाना पीना दिया और बस भी बुलाया यहाँ से, कह रहे भाई इनको छोड़ दो। DM साहब के बाद भी हमको उतने समय कुछ नहीं बोले शाम तक। और उसके बाद जब सारी बस निकल गई तो कह रहे भाई तुम्हारे पास कुछ है, हमारे पास अब कुछ नहीं, आप चले जाइए यहाँ से। तो हम कहाँ जाएं, हमारे को समझ में नहीं आ रहा सर। आपको बता दें कि पानीपत से प्रयागराज के कौशाम्बी के लिए चले मजदूर मेरठ के बेगमपुल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और सड़क पर ही बैठे हुए हैं। खाने का इंतजाम इनके लिए मेरठ की सदर बाजार पुलिस कर रही है। अब मजदूरों का ये कहना है कि जब तक इनके घर जाने का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक ये यहीं पर ऐसे ही बैठे रहेंगे। अब ये देखना होगा कि आखिरकार कब प्रशासन इनकी मदद करता है और इनके घर जाने का इंतजाम करवाता है। जय भीम TV के लिए मेरठ से राहुल राणा की रिपोर्ट।